क्या आप चमत्कार में विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर करने लगेंगे। कोलंबिया के अमेज़न जंगलों में करीब 40 दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था। खबर आई कि इसमें सवार सभी लोग मारे गए। इसके बाद एक और खबर आई कि इस प्लेन में सवार 4 बच्चे जिंदा हैं। इस खबर ने पीड़ित परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वहां के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि चारों बच्चे जीवित मिले हैं। कोलंबिया के कैक्वेटा और गुआवियारे प्रांतों के बीच की सीमा के पास सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में इन भाई बहनों को बचाया गया। बीती 1 मई को प्लेन के इंजन में खराबी आने के बाद अमेज़न प्रांत में सैन जोस डेल शहर में 7 लोगों को लेकर जा रहा प्लेन क्रैश हुआ था। इसमें पायलट और इन बच्चों की मां मागदालेना समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। उनके शव प्लेन के अंदर पाए गए थे। अब ये 4 बच्चे सुरक्षित हैं। इन बच्चों की उम्र 13 साल, 9 साल, 4 साल और एक बच्चे की तो उम्र 11 महीने ही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 से ज्यादा सैनिक और स्निफर डॉग्स को तैनात किया गया था।